यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे कन्नौज का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज में ट्रक से टकराकर एक पर्यटकों से भरी बस पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा पर्यटक घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको कन्नौज से दे रहे हैं, जहां पर 20 से ज्यादा पर्यटकों के घायल होने की खबर है। और नेपाल से जयपुर घूमने के लिए सभी पर्यटक जा रहे थे, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर 20 से ज्यादा पर्यटकों के घायल होने की खबर है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है और पूरे मामले की जांच भी पुलिस की ओर से की जा रही है। तो ट्रक से टकराकर यहां पर पर्यटकों से भरी बस पलट गई, जिसके चलते 20 से ज्यादा पर्यटक घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रहीस खान कन्नौज से हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रहीस, इस खबर को लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास है, जो कन्नौज में बस पलटी है? जी, आपको बता दें कि पर्यटकों से भरी एक बस जो कि जयपुर घूमने के लिए जा रहे थे, जैसे ही तिरवा एक्सप्रेस वे पर पहुंचे, सामने से आ रही डीटीएम से भ्रंत हो जाने पर पर्यटकों से भरी बस पलट गई, जिसमें 20 से अधिक पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। बिल्कुल रही, से घायलों की हालत कैसी है अभी? घायलों को पुलिस ने ले जाकर आनंद फानंद में तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां पर कुछ लोगों की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें कानपुर भेज दिया गया था। बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद घायलों को दी जा रही है? हाँ, पर्यटकों के बस पलटने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी भी वहां पहुंचे। आला अधिकारियों ने आनंद फानंद में प्रथम उपचार दिलवाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रईस खान तमाम जानकारी देने के लिए। तो उपचार कहीं ना कहीं करवाया जा रहा है, जो पर्यटक है, 20 से ज्यादा पर्यटक घायल हो गए हैं और ये बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आया है कन्नौज से।